कहीं ना थोड़ी मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ये और बेटर हो सकती थी। जैसे कि आप ट्रांसमिशन देख लोगे, कहने को उसमें टॉप कन्वर्टर आता है बट थोड़ा सा ना इनिशियल गियर से फर्स्ट सेकंड में आवाज करता है वो। अच्छा। पॉलिश ट्राई कर ली, आप देख सकते पीछे से नई गाड़ी भी, आप नई सेल्टोस भी देखोगे ना वो भी ऐसी सूखी सूखी सी हो जाएगी। अच्छा, ये व्हाइट व्हाइट जो आप बोल रहे हैं, ओके ओके, हाँ ये पूरा विजिबल है, दिख भी रहा है पूरा एकदम ना, ये पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। बिकॉज हमने मैनुअल का तो चेक किया हुआ उसका पिकअप कैसा, बट एक बार ऑटोमेटिक को भी देख लेते हैं कितनी क्विक है। सो अभी जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ चेंज होने का है। नमस्कार, वेलकम टू रिव्यू बाय एजे। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं ऑनरशिप रिव्यू किया सेल्टोस का, एंड ये जो आप वेरियंट मेरे सामने देख रहे हो गाइज, ये है STK प्लस वेरियंट। आप देख सकते हैं ये है ऑटोमेटिक, यहाँ पे मेंशन किया हुआ ऑटो, जिसे ऑटोमेटिक वेरिएंट, एंड ये STK प्लस वेरिएंट है गाइस, बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी ये वेरिएंट है। एंड इस वेरिएंट से आप देखोगे तो इसमें जो है DRL वगैरह स्टार्ट हो जाती है, एंड इसमें DRL आपको मिल जाते हैं, और इस सेगमेंट में आपको इस अलॉय व्हील भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो, तो इसके बारे में और कार का जो ऑनरशिप रिव्यू, ऑनरशिप एक्सपीरियंस बताने के लिए हमारे साथ में आज है ध्रुव आर्य भाई, हमारे साथ में। सो वेलकम, बढ़िया बढ़िया एकदम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ध्रुव भाई का अपना खुद का चैनल है डॉक्टर्स ड्राइव के नाम से, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज गाइस विजिट करिए इनका चैनल, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं उधर ये। सो ध्रुव भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले ऑनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कार को लिए कितना टाइम हो गया, एंड कितने की आपको कॉस्ट किया था कार ने? कार मैंने ली थी 4 नवंबर 2020 को, तो ये अराउंड इसको 6 महीने हो गए हैं। ओके। और ये मैंने ली थी 15,22,000 की, ऑन रोड। ओके। अब वैसे उस टाइम पे 15,50,000 की थी, मैंने इंश्योरेंस से पैसे बचाए थे, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, कैसे मैंने इंश्योरेंस से बचाए थे। ओके। और रजिस्ट्रेशन में कैसे बचाते हैं वो, मतलब मैंने इसमें इंश्योरेंस में मेनली इसका बचाया था, बट अब ये इसके 50,000 ऊपर कर दिए हैं कंपनी ने, जो फेसलिफ्ट वाला एक आया है जिसमें सनरूफ दे दिया है MT में। ओके। तो वो महंगी हो गई है, पर मैंने ये ली थी 15-22 की। 15-22 की आपको पड़ी है। इस सेगमेंट में पर्टिकुलर जो है बहुत सारी कार अवेलेबल हैं, आप देखो हुंडई क्रेटा, सेल्टोस होगी वहाँ पे, आप देखोगे तो टाटा हैरियर भी वहाँ पे, महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, MG हेक्टर भी वहाँ पे आपको मिल जाती है, बट लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन कि आपको किया सेल्टोस ही चूज करनी पड़ी? देखो, जो ये 11 से और 18 लाख के बीच का जो वो है ना इसका सेगमेंट, तो इसमें हर कोई चाहता है कि मेरी सब 4 मीटर से एक ऊपर गाड़ी हो, बट वो अगर ज्यादा बड़ी वो लेंगे, मतलब MG हेक्टर या हैरियर पे जाएंगे तो उसका बेस आएगा, तो इसलिए वो जाते हैं सिर्फ सेल्टोस क्रेटा, यही दो बस्ती हैं मतलब मेनली, क्योंकि हुंडई का ये भी हुंडई कंपनी की वो है, उनकी जो पार्ट्स हैं, जो इंजन क्वालिटी है, जो सर्विस क्वालिटी है वो अच्छी है, तो इसलिए लोग मेनली किया और हुंडई पे जाते हैं। वैसे आप टाटा हैरियर आपने आपके माइंड में आया है नहीं, क्योंकि बिकॉज टाटा हैरियर ज्यादा 170 BHP के आसपास की पावर प्रोड्यूस करती है, और ऑलमोस्ट आपको इसी रेंज के आसपास आपको पड़ सकती थी वो। देखो, टाटा हैरियर ना देखने में बहुत अच्छी लगती है, सारी चीज है, अच्छी स्पेस है, इंडियन ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है टाटा का, बट टाटा ना मतलब एक फिनिश नहीं निकाल पा रही, फिनिशिंग नहीं आ पा रही टाटा की गाड़ियों में। आप देखोगे अगर आप उसे एक गाड़ी को स्टार्ट भी करोगे ना तो उसके ORVM चेक करेंगे कहीं। अच्छा। तो वो फिनिशिंग नहीं है अभी टाटा की गाड़ियों में, बाकी देखने में अच्छी है सारी चीज, फीचर लोडेड गाड़ियां हैं और इंजन पावर भी अच्छी है, बट फिनिशिंग नहीं है गाड़ियों में, फिनिशिंग चाहिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। 6 महीने में आपको क्या लाइक कार की परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको कैसा लगा चलाने में, लाइक मजा आ रहा है कार चलाने में, लाइक किया सेल्टोस या कहीं पे कुछ ना कुछ बहुत आ रहा है, बट कहीं ना थोड़ी मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ये और बेटर हो सकती थी। जैसे कि आप ट्रांसमिशन देख लोगे, कहने को उसमें टॉप कन्वर्टर आता है बट थोड़ा सा ना इनिशियल गियर से फर्स्ट सेकंड में आवाज करता है वो। अच्छा। बाद में ठीक चलता है बट इनिशियल गियर में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे लोड पड़ रहा हो गाड़ी पर। अच्छा। काफी ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाई है, मेरे पास क्रूज भी है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट इसमें पता नहीं ट्रांसमिशन में है थोड़ी प्रॉब्लम। ओके ओके। बाकी इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें 1.5 लीटर ये डीजल इंजन है, एंड जो कि प्रोड्यूस करता है 250 NM के आसपास का जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और 115 BHP की पावर है। सो इंजन काफी रिफाइंड है, बिल्कुल साइलेंट है, ये भी नहीं पता चलता है डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन है। अच्छा। अंदर तो इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है। तो आप कह रहे हो काफी रिफाइंड इसका इंजन है। ओके। एंड बाकी कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए ध्रुव भाई की, आपको लगता हो आपने कोई इससे बड़ा कोई लंबी ट्रिप की है, दो लाइक आराम से 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर आपने लॉन्ग ड्राइव पे ले गए हैं वहाँ पे? लॉन्ग ड्राइव पे मैं लेके गया हूँ काफी, और इसने बहुत अच्छी एवरेज, इससे एवरेज बहुत अच्छी निकालती है, पिकअप वगैरह में वो सारी चीज में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है और कम्फर्टेबल भी है। अच्छा। बाकी इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर केबिन,
किसी चीज में कोई अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। बाकी अब लॉन्ग ड्राइव्स मैं शुरू करूंगा आने वाली वीडियोस में, आप देख सकते हो। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कहीं जा नहीं सकते थे इस वजह से। अच्छा, सो बाकी एक चीज और किया सेल्टॉस की लाइक सर्विसिंग को लेके, बिकॉज आपने जब ये कार ली होगी तो ऑब्वियसली आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि किया सेल्टॉस है, बड़ी ब्रांड है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, या मेरे को सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, वो सब पॉइंट पे थोड़ा सा एक बार बताइए कि सर्विस को लेके कैसा आपको लाइक। सर्विस तो ना इसकी इतनी बेस्ट है, मतलब पता नहीं हमारे वाली, मतलब जहाँ मैं कराता हूँ फरीदाबाद में ढींगरा मोटर्स में, उसी की ज्यादा बढ़िया है या सबकी इतनी अच्छी, क्योंकि सर्विस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है किया। अच्छा। ऐसी मारुति अपनी जो नेक्सा ब्रांड है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ऐसी ही किया बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है अपनी सर्विसिंग पे। अभी 10,000 रुपए जो इसकी सर्विस हुई है उसमें लेबर कॉस्ट तो चलो अलग थी, बट 2,516 रुपए की सर्विस हुई है। अच्छा। उससे सस्ती तो यार बताओ क्या ही हो सकता है। ओके, चले तो बाकी ये तो एक बार थोड़ा सा ड्राइव एक्सपीरियंस ले लेते हैं एक बार, लाइक चलाने में कैसी है वो सारा एक बार एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर। सो ये ऑटोमेटिक वर्जन है जैसे हमने बाहर देखा, तो यहाँ पे आपको जो है यू कैन सी क्लच वगैरह का जो है सरदर्द आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, और क्लच नहीं है खाली आपको ब्रेक एंड यहाँ पे एक्सेलेरेटर मिलता है। एंड बाकी ये ध्रुव ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है ये, एंड ये इसकी की आपको ऐसे मिलती है। सो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं कार इधर से। अभी मैं कार के अंदर बैठा हूं, ये डीजल वेरिएंट है, मेरे को अंदर कुछ भी केबिन के अंदर जो है इंसुलेशन बहुत प्यारा है इस कार का, कुछ भी देखा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी हम अंदर बैठे हैं पता भी नहीं चला कि कार स्टार्ट है यहाँ पे। बहुत ही रिफाइंड, ये है कि रिफाइंड इंजन होने की वजह से बहुत ही साइलेंट इंजन है यहाँ पे। एंड यहीं पे अगर मैं अभी अगर अपनी कार में बैठता हूँ एक्सयूवी के अंदर, तो स्टार्ट होने के बाद में मैं अच्छा खासा जो है साउंड उसकी फील कर सकता हूँ यहाँ पे। बाकी इंटीरियर तो आप देख ही सकते हैं गाइज, ये एक चीज है जहां पे कि लाइक किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा या जो भी फॉरेन ब्रांड है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, ये एक ऐसे पॉइंट है गाइज जहां पे कि कोई भी इंडियन कस्टमर बहुत आराम से कन्विंस हो सकता है। सीधा इंटीरियर गाइज, फिट एंड फिनिश, और ये जो एकदम जिसको हम बोलते हैं ना कॉस्मेटिक्स फीचर्स, मैं हमेशा यूज करता हूँ वर्ड, सीधा टच स्क्रीन, सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सी द दिस फिट एंड फिनिश ऑफ एसी एंड ऑल, एंड ये सारी चीजें जो है बहुत ही इस कार को प्रीमियम बना देती हैं। एंड आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बात करोगे तो वहां पे आपको इतना प्रीमियमनेस नहीं मिलती है। स्टेयरिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, किया सेल्टॉस का जो स्टेयरिंग है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। एंड ये देखिए बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि स्टेयरिंग पे बिल्कुल भी वेट नहीं है। ये कोई ड्राइव मोड वगैरह में तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ही ड्राइव मोड आता है इसका, ये नॉर्मल ड्राइव मोड आता है, फिर इसे मैनुअल में करना चाहो तो मैनुअल। अच्छा, मतलब एक ही ड्राइव मोड है ये। सो देखिए ड्राइव मोड कुछ भी हमने लगाया नहीं, और स्टीयरिंग जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है इसका। एंड ये किया का जो है बेस्ट पार्ट है कि स्टीयरिंग बहुत रिस्पॉन्सिव है, और जिधर भी आप इसको टर्न करना चाहेंगे उधर ही टर्न होगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत ही स्टिफ है या थोड़ा बहुत हार्डनेस आपको बिल्कुल नहीं फील होगी। सी देखिए अभी हम इस तरह के रफ रोड में ड्राइव कर रहे हैं, एंड सस्पेंशन जो है बहुत ही लाइक स्मूथ है इसके, बिल्कुल भी स्टिफनेस बिल्कुल भी हमें फील नहीं हो रही है। एंड बाकी आप बताइए थोड़ा सा लाइक ड्राइविंग को लेके स्टीयरिंग रिस्पांस आपको क्या लाइक इसमें फील हुआ है? सिर्फ ये टॉप कन्वर्टर के जो इनिशियल गियर, पहला और सेकंड गियर है ना, फर्स्ट और सेकंड गियर है, उसी में जो दिक्कत है वो है, उसके बाद इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलती है उसके बाद तो। अच्छा, मतलब यू आर हैप्पी विद दिस कार? कंफर्टेबल है, 1,000 किलोमीटर तक भी सिंगल स्ट्रेच में राइड कर सकते हैं इसमें, आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी थकावट नहीं होती। अच्छा, सीटिंग काफी कंफर्टेबल है, यू कैन सी, एंड बैक सपोर्ट वगैरह आप देख सकते हैं, अच्छा खासा बैक सपोर्ट इसमें मिल जाता है आपको। सो मतलब आप ध्रुव भाई क्या लाइक क्या रिकमेंड करना चाहते हैं जो लोग कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या है लाइक किया सेल्टॉस के लिए? अगर कार खरीदने का प्लान कर रहे हो, क्रेटा और सेल्टॉस के बीच में जाते हो ना, तो अगर आपका बजट 16 लाख से नीचे है तो आप जाओ सेल्टॉस के लिए, बट अगर आपको चाहिए कि टॉप मॉडल लेनी है तो आप जा सकते हो फिर क्रेटा के लिए, फिर आपके पास चॉइस है। वैसे सेल्टॉस भी बहुत अच्छी चीज ऑफर करती है, बट आप तब जा सकते हो क्रेटा के लिए जब आप टॉप मॉडल में जाओ। बेस मॉडल में क्रेटा बिल्कुल पैथेटिक हो चुकी है, बेस मॉडल तो आपने दिखाया ही था मैंने आपको अपनी वीडियोज में, सारी चीज उसमें हटा दी गई है, और जो जैसी एसटी के है ऐसी क्रेटा का एस वेरियंट है, एस वेरियंट में कुछ भी नहीं आता, रियर डिस्क ब्रेक तक नहीं आती, इसमें सारी चीज मिलती है। अरे वाह। तो बाकी एक बार अब चेक कर लेते हैं गाइस इसका थोड़ा सा पिकअप देख लेते हैं कि किया सेल्टॉस ऑटोमेटिक का पिकअप कैसा है, बिकॉज हमने मैनुअल का तो चेक किया हुआ उसका पिकअप कैसा, बट एक बार ऑटोमेटिक को भी देख लेते हैं कितनी क्विक है। सो अभी जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ चेंज नहीं है।
थोड़ी सी, बाकी ब्रेकिंग में थोड़ा सा मेरे को लगा ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। अच्छा, क्योंकि इसमें तो चारों डिस्क ब्रेक आती है, हो सकता है उसमें भी चारों आती है ना, चारों डिस्क आते हैं, बट मेरे को टू भी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अभी जो मैंने 100 की स्पीड पे इसको ब्रेक किया, ब्रेकिंग थोड़ी सी मेरे को इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हैं ब्रेक? मुझे तो ब्रेकिंग में कोई ऐसा इशू है नहीं, ब्रेकिंग मेरे लिए तो ठीक ही है, मुझे तो ठीक ही लगी। तो कभी ट्राई करना एक बार, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो 100 पे एक बार, मतलब इमीडिएट एक्सेलरेट करने के बाद। मैंने जितनी भी गाड़ियां चलाई है क्रूज में भी चारों डिस्क आती है उसकी, और इसकी मेरे को लगभग बराबर ही लगती है ब्रेकिंग, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ब्रेकिंग कहीं ना कहीं हल्का सा। सो ये था गाइस ड्राइविंग एक्सपीरियंस किया सेल्टॉस ऑटोमेटिक वेरिएंट का। आपने देख लिया कि कितनी क्विक थी, 0 to 100 जो था कितने टाइम में पहुंची है, आप देख सकते हो नीचे। बाकी स्पेसिंग के मामले में गाइस बहुत ही, क्योंकि इसकी जो लेंथ है गाइस 4.3 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, सो इंटीरियर में आपको कभी भी कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम फील होगी नहीं। पीछे एसी, रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऑल ब्लैक इंटीरियर। तो ध्रुव भाई, इसका जो इंटीरियर ऑल ब्लैक, ये क्या मतलब, आपने कराया हुआ है या फिर ऐसे ही आता है इसका? इसका ब्लैक बस सीट कवर चढ़वाया मैंने, और कुछ नहीं कराया, ये ऐसा ही आता है ऑल ब्लैक। बाकी जो अंदर जो है पूरा ऑल ब्लैक है, इसमें बिल्कुल भी आते हैं, मैंने बस आफ्टर मार्केट सीट कवर चढ़वाया है, क्योंकि कहीं भी ऐसे डुअल आजकल जैसे चल रहा है ना, आजकल टॉप मॉडल में आता है इसमें। अच्छा, इसमें ऑल ब्लैक आता है। बाकी ये है इसका सेगमेंट का सबसे, आई गेस सबसे बड़ा बूट स्पेस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। स्पेस काफी अच्छा है, बट इसमें एक दिक्कत है, ये पार्सल, अगर कुछ भी सामान रखते हैं ना तो पार्सल ट्रे हटानी ही पड़ती है। अच्छा, ये पार्सल ट्रे प्लेसमेंट इसकी अच्छी नहीं है, या तो ये थोड़ा सा बूट नीचे होता, ये इजी लोडिंग की वजह से ना। अच्छा बिल्कुल एकदम, मतलब कभी भी हम सामान लेके जाते हैं तो ये हमें हटानी पड़ती है। अच्छा, आई गेस 400 लीटर के आसपास का इसका बूट है, विच इज वेरी ह्यूज गाइस। सो एक चीज, हमने इतनी सारी बात करी कार के बारे में, सारा पॉजिटिव डिस्कशन कर लिया, सर्विस के बारे में डिस्कशन करा, प्राइसिंग डिस्कशन करा, कंपटीशन भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। बाकी एक चीज और बस हमें बता दीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव क्या है इस कार की, कि जो लोग कार कंसीडर कर रहे हैं वो क्या चीज है जो नेगेटिव है इस कार के बारे में? सबसे बड़ी चीज है ना इसके एक्सटीरियर में, वो ये है ब्लैक क्लैडिंग। वैसे तो अगर कोई चीज, अगर इसमें नीचे ब्लैक क्लैडिंग नहीं होती तो पेंट खराब हो जाता अगर कहीं से भी टच होती, वैसे तो ये प्रोटेक्टिव है, बट ये जो क्वालिटी है ना इसकी इतनी गंदी है, ये व्हाइट पड़ जाती है। अच्छा, इस पर डेली भी पॉलिश मारोगे ना, ये थोड़ी देर में सूख के व्हाइट सी हो जाती है। मैंने इतनी तरह की पॉलिश ट्राई कर ली, आप देख सकते पीछे से, नई गाड़ी भी आप नई सेल्टोस भी देखोगे ना, वो भी ऐसी सूखी सूखी सी हो जाएगी। अच्छा, ये व्हाइट व्हाइट जो आप बोल रहे हैं, ओके ओके, हाँ ये पूरा विजिबल है, दिख भी रहा है पूरा एकदम ना, ये पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। ओके, तो ये इसकी एक्सटीरियर की सबसे बेकार क्वालिटी है। और इसके अलावा और कुछ चीज जो आप रेस करना चाहते हो? सारी चीज के लिए मैं सेटिस्फाइड हूं, और इसका कोई नेगेटिव अभी तक नहीं। अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। सो गाइज, ये था किया सेल्टॉस ऑटोमेटिक एसटीके प्लस का ऑनरशिप रिव्यू। आई होप आपको वीडियो गाइज पसंद आई होगी, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो ध्रुव भाई का चैनल डॉक्टर्स ड्राइव भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइज, टिल देन स्टे हैप्पी हेल्थ एंड सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।